नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनडीएमसी की गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी आई है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों मुझे 3-4 कमेंट ऐसे आए थे कि आपने एनडीएमसी में जो रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में वीडियो नहीं बनाया, ना आपने जानकारी शेयर की। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर ज़्यादातर मैं वो वैकेंसी शेयर करती हूँ जहाँ पर जो नए कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो सच में जॉब चाह रहे हैं, ये आपकी जो वैकेंसी है। तो पहले ही मैं क्लियर कर दूं, ये आपके रिटायर्ड टीचर्स के लिए है जो पहले से रिटायर्ड हो चुके हैं, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, उनके लिए वैकेंसी आई। हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, लाइब्रेरियन की, नर्सरी टीचर की, पीजीटी की, टीजीटी, पीआरटी, और आपकी जो यहाँ पर लैब असिस्टेंट की, और भी यहाँ पर काफ़ी सारी वेरियस पोस्ट है। और यहाँ पर वैकेंसी का नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लगभग 468 अराउंड यहाँ पर वैकेंसी है। जैसे कि नर्सरी टीचर की आपकी 46 पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की यहाँ पर 26 है, और ये आपकी लाइब्रेरियन की 8 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। क्या लाइब्रेरियन की अगर हम बात करें, द कैंडिडेट शुड हैव रिटायर्ड एज लाइब्रेरियन फ्रॉम पे लेवल यहाँ पर 6 और अबाउ एज पर द पे मैट्रिक्स 7 CPC फ्रॉम सेंट्रल, स्टेट, लोकल बॉडीज एंड इक्विवेलेंट सर्विसेज। तो ये आपके रिटायर्ड हो चुके कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर है। अभी अगर आप हैं उनमें से तो आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हम जाके देख सकते हैं, उसकी भी हम पूरी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप लाइब्रेरियन के लिए नर्सरी टीचर की वैकेंसी अगर चाहते हैं कि उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले, तो आप नर्सरी टीचर का, लाइब्रेरियन का, लैब असिस्टेंट का, तो इस तरह की पोस्ट होती है, उनकी कम जानकारी आप लोगों को मिल पाती है। तो हमने वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन वो क्रिएट किए हुए हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके इस तरह की वैकेंसीज की जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको हर वैकेंसी की जानकारी समय पर सबसे पहले मिल जाती है। तो ये आपकी वैकेंसी आई हुई है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ आप यहाँ पर देख लीजिएगा। काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर है, और ये हम देखें कि यहाँ पर एज का भी यहाँ पर क्राइटेरिया सब कुछ मेंशन है ऑफिशियल वेबसाइट पे। एक बार मैं आपको बता दूँ तो 1 मई तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये है online.ndmc.government.in/m_staff, ये करके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सीधा आप क्रोम पर, गूगल पर भी सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है अप्लाई हेयर पर क्लिक करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहीं पर आप इस पर क्लिक करके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। बट ये आपके नए कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, बाकी रिसेंट वीडियो जो भी मैंने पोस्ट किए हैं कल परसों तक, और उनमें आपको थंबनेल पर ही लास्ट डेट मिल जाएगी कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको, उन वीडियो को ज़रूर देख लेना। काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी लाइब्रेरियन की, नर्सरी टीचर की, प्री प्राइमरी टीचर की, पीआरटी, टीजीटी, काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई है, तो उनको चेक करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आपको नई अपडेट मिली होगी। और तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।